तो स्टूडेंट्स, मैं रजत भुवनेश्वर से आप सबके लिए लेके आया हूं कंप्यूटर साइंस और आईटी का अपना पहला यूट्यूब चैनल कोडशाला। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 9th और 10th का एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का पहला स्किल, कम्युनिकेशन स्किल का दूसरा टॉपिक जो कि है प्रोस्पेक्टिव्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो पहले देख लेते हैं डेफिनेशन वाइज प्रोस्पेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन है क्या। प्रोस्पेक्टिव्स आर द आइडियाज, व्यूज और फिक्स्ड वे ऑफ थिंकिंग, दीज समटाइम्स इफेक्ट अवर कम्युनिकेशन। ये क्या है नाम, ये कुछ ऐसा एक आइडिया है जो आपके मन में घर कर लेता है। मान लीजिए आपने बचपन में कभी स्कूल में जब पहले पहले आए थे, आपने पहली बार एक टीचर को किसी के ऊपर गुस्सा करते हुए देखा हो। आपने पहली बार जब टीचर को एक देखा और वो किसी के ऊपर गुस्सा कर रहा है और किसी को डांट रहा है, तो तभी आपके मन में एक उसके ऊपर अवधारणा बन जाता है कि ये टीचर बहुत स्ट्रिक्ट है, इससे थोड़ा बच के रहना चाहिए। ये थोड़ा ऐसा है कि मान लीजिए आपको लगता है कि इसके सामने ज्यादा बात मत करो, ठीक है, तो ऐसा एक थॉट आपके मन में घर कर लेता है। तो बाद में मान लीजिए वो टीचर आपके सामने आए और आपको खुल के हंसी से बात करे या मजाक करे आपके साथ, तब भी आप थोड़ा फ्री नहीं हो पाते उस टीचर के साथ। आपको लगता है कि ये थोड़ा स्ट्रिक्ट टीचर है, इससे थोड़ा बच के ही रहना चाहिए, इससे ज्यादा बात मत करो, थोड़ा चुपचाप ही रह जाओ, कुछ भी बोले। तो ये जो चीज है आपके कम्युनिकेशन को इफेक्ट करता है, तो आप अपनी बात खुल के उनके सामने रख नहीं पाते, तो ये जो है इसी तरह से आपके कम्युनिकेशन को हैम्पर करता है उनके सामने। ये जो चीज है ये सिर्फ आपके लिए नहीं कि आपके लिए ही, आपके मन में ही कुछ अवधारणा बनता है, ऐसा भी हो सकता है कोई दूसरा आदमी हो वो भी आपके बारे में कुछ अलग थॉट रखता हो और वो भी आपसे खुल के बात नहीं कर पा रहा हो, तो उसी चीज को ही कहते हैं पर्सपेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन। अभी चलिए देखते हैं क्या क्या वो फैक्टर्स है जो कि आपके पर्सपेक्टिव को इफेक्ट करता है ड्यूरिंग कम्युनिकेशन। तो चलिए देखते हैं, अभी बात करते हैं सबसे पहला फैक्टर जो कि है लैंग्वेज बैरियर। लैंग्वेज बैरियर दो तरह से काम कर सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए सबसे पहला वाला हुआ जब दो अलग अलग बिल्कुल अलग भाषा के लोग बात करना चाहे, जिनको कि अपने भाषा के अलावा कोई और कॉमन लैंग्वेज ना पता हो, जैसे कि मान लीजिए एक हिंदुस्तानी और एक फ्रेंच। जो हिंदुस्तानी वाला है वो हिंदी में ही बात करना चाहता है और जो फ्रेंच वाला इंसान है वो फ्रेंच में ही बात करना चाहता है, दोनों को कोई कॉमन लैंग्वेज नहीं पता है तो दोनों कैसे बात करेंगे। तो उसी तरह मान लीजिए दोनों इंसान अगर एक ही लैंग्वेज के हो फिर भी उनको कभी कभी तकलीफ हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए आप सब अगर ओडिया है तो मैं कुछ ओडिया वर्ड्स बताता हूँ, कुछ ओडिया लाइन्स बताता हूँ, आपको हो सकता है उनको समझने में तकलीफ हो। सबसे पहला पाठ पढ़ लो काय, आपण केनता अछन, आज स्कूल जीबो काय। अगर मैं ऐसा ना बोल के अगर आपको ऐसा बोलू पाठ पढ़ लो कि आपण केमिति अछन्ति, आज स्कूल जीबो कि, ये तीनों लाइन आपको समझ में आया होगा। हो सकता है पहला वाला तीन लाइन्स आपको समझ में नहीं आया होगा, क्योंकि वो जो तीनों है पहले वाले जो बोला वो उड़िया ही है मगर वो संबलपुरी एसेंट है, और उसके बाद वाले जो तीन बोला मैंने वो है प्रॉपर उड़िया है। तो आपको हो सकता है किसी एक ही लैंग्वेज में अलग अलग एक्सेंट से क्योंकि बात किया गया है, इसीलिए आपको समझने में मुश्किल आ सकती है। इसीलिए यही बात है कि एक्सेंट अलग होने से भी आपको बात करने में तकलीफ हो सकती है, तो ये होता है लैंग्वेज बैरियर। अभी बात करते हैं दूसरा फैक्टर जो कि है विजुअल परसेप्शन। अभी बात करते हैं विजुअल परसेप्शन की। विजुअल परसेप्शन वो चीज है जो कि आप अपने आंख से देखते हैं और उस चीज का एक इमेज आपके ब्रेन में क्रिएट हो जाता है। जैसे यहाँ डेफिनेशन लिखा है कि इट इज द ब्रेन्स एबिलिटी टू मेक सेंस ऑफ व्हाट वी सी थ्रू आवर आईज। जैसे कि आपने कोई चीज को अपनी तरफ से देखा, आपका ब्रेन उसका एक पिक्चर फॉर्म करता है और आपको बताता है कि ये चीज क्या है, और उस चीज उसी हिसाब से आप अपना राय रखते हैं उस चीज के ऊपर। यहाँ एक तस्वीर में आप देख रहे होंगे कि एक इंसान छह के इस तरफ खड़ा है तो उसको छह नजर आ रहा है, छह के उस तरफ जो खड़ा है उसको नौ नजर आ रहा है, तो वो दोनों बहस करते हैं कि मैं सही हूं, दूसरा वाला कहता है कि नहीं मैं सही हूं। तो यहां देखा जाए तो दोनों ही सही है, क्योंकि दोनों ने जो आंखों से देखा और दोनों का ब्रेन जो पिक्चर फॉर्म किया दोनों सही है, कोई गलत नहीं है, मगर उनको लगता है कि मैं सही हूं दूसरा गलत है, दूसरे को लगता है मैं सही हूं वो गलत है, तो ऐसा होता है विजुअल परसेप्शन, और वही जो है आपके कम्युनिकेशन को हैम्पर करता है
कम्युनिकेशन को इफेक्ट करता है। तो अभी टाइम हो चुका है व्यूअर्स क्वेश्चन का, जैसे कि हर वीडियो में रहता है मेरे व्यूअर्स के लिए सवाल। तो ये दो तस्वीरें जो आपके स्क्रीन में नजर आ रही हैं, आपके बाएं तरफ एक तस्वीर है, दाएं तरफ एक तस्वीर है, तो मुझे ये बताइए कि दोनों तस्वीरें देख के आपको क्या लगता है, ये तस्वीरें किस चीज को इंडिकेट कर रहा है। आप अपना आंसर मुझे कमेंट बॉक्स पे लिख के बताइए। चलिए अभी देखते हैं तीसरा फैक्टर जो कि है पास्ट एक्सपीरियंस। पास्ट एक्सपीरियंस कुछ ऐसा चीज है कि मान लीजिए, मैं आपको एक अच्छा एग्जांपल देता हूं कि आप स्टूडेंट लाइफ में आपका कोई मान लीजिए कोई सब्जेक्ट आपका वीक हो और उसका एग्जाम में आपने कम स्कोर किया हो, क्लास में जब वही सब्जेक्ट का टॉपिक चल रहा हो, ठीक है, तो वही सब्जेक्ट का कोई एक टॉपिक चल रहा हो क्लास में, तब आपके मन में कहीं भी एक डाउट आए तो आप डरते हैं क्योंकि मेरा तो मार्क कम आया है, हो सकता है मुझे ये चीज बहुत आसान हो और मुझे नहीं आता हो और बाकियों के सामने मैं शर्मिंदा हो जाऊं ये डाउट पूछ के। तो इसीलिए आपका पास्ट एक्सपीरियंस जो है आपको पूछने से मना करता है, जो कि आपके देखा आपने के कम्युनिकेशन को इसे हैम्पर कर रहा है, ठीक है। तो आपका पुराना जो एक्सपीरियंस है वो आपको मना करता है कोई काम आगे करने के लिए, कोई बात करने के लिए उसी टॉपिक के ऊपर, जो कि अच्छा नहीं है। पास्ट एक्सपीरियंस इसी तरह कम्युनिकेशन को इफेक्ट करता है। अभी देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक आपका प्रिजुडिस। अभी बात करते हैं प्रिजुडिस की। प्रिजुडिस कुछ ऐसा चीज है जो कि एक फिक्स आइडिया है जो कि आप अपने मन में बिठा लेते हैं और आप किसी और की कुछ सुनना ही नहीं चाहते। आप बड़े बुजुर्गों को देखा होगा, मैं उनकी काफी रेस्पेक्ट करता हूं, मगर काफी उनके केस में मैं देखा हूं वो जो सोचे होंगे वही करेंगे। आप कितना भी कुछ समझा दे उनको लगेगा कि नहीं, ये मुझे इफेक्ट करना है की कोशिश कर रहा है, मैं अपने बात से हिलूंगा ही नहीं। आप कभी कभी आदिवासी लोगों को भी ऐसे देखा हो कि उनको कोई आके बेला फुसला के कुछ बात उनके मन में डाल दिया हो, आप उनके भले के लिए जाके कुछ भी उनसे बोले तब भी वो सुनने को कुछ भी राजी नहीं होंगे, वो जो सोचे होंगे वही करेंगे। जो उनके मन में बिठा दिया गया, जो एक फिक्स आइडिया उनके मन में दे दिया गया, वो उसी तरह ही ट्रेंड हो गए हैं और वो उसी तरह ही करेंगे। दिस इज कॉल्ड प्रेजुडिस। तो ये जो है कभी कभी अच्छा है, कभी कभी बुरा भी है। कभी कभी आप न्यू आइडियाज को वेलकम नहीं करना चाहते प्रेजुडिस की वजह से, कुछ ओल्ड कस्टम ट्रेडिशंस आपके मन में बैठ गया होगा, आप उसके वजह से नए टेक्नोलॉजी नए इनोवेशंस को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं हो रहे होंगे। तो ये रहा प्रेजुडिस जो कि आपके कम्युनिकेशन को अपने थॉट प्रोसेस को इफेक्ट करता है। अभी बात करते हैं फीलिंग्स की। फीलिंग्स कुछ ऐसा चीज है कि आप कोई भी चीज को करने में इंटरेस्ट नहीं दिखाते हो, कभी भी किसी के ऊपर भरोसा ना हो आपको, कोई नए आदमी के ऊपर आपको भरोसा ना हो, नहीं तो कोई आपका क्लासमेट भी हो किसी के ऊपर आपको भरोसा ना हो, आप चुपचाप रहना पसंद करते हो, आपका फीलिंग ऐसा है कि आपको कोई नए काम में इंटरेस्ट ना हो। जैसे कि आपको मान लीजिए कोई बुलाए, चलो यार थोड़ा ये थोड़ा घूम के आते हैं बाहर, तो आप बोले कि नहीं मेरा आज मूड ऑफ है, मैं कहीं नहीं जाना चाहता। कोई आपको क्लास में आके हंस के बात करना चाहे तो भी आप बोलोगे कि नहीं यार मेरा आज तबीयत ठीक नहीं है, मैं किसी से बात नहीं करना चाहता, मुझे अकेला छोड़ दो, ऐसे बोलते हुए आपने कभी कुछ बच्चों को देखा होगा। हाँ, तो वही चीज है फीलिंग्स। ये आपकी अंदर की फीलिंग है जो कि आपको कोई नए चीज नए काम करने से रोकती है, किसी नए आदमी से बात करने से रोकता है, जो कि मेरे हिसाब से अच्छा नहीं है। आपको थोड़ा ओपन माइंडेड रहना चाहिए, एक्टिव रहना चाहिए, डल नहीं रहना चाहिए क्लास में या कहीं भी। तो अभी चलते हैं दूसरे टॉपिक में जो कि है एनवायरमेंट। एनवायरमेंट मतलब ये ऐसा चीज है कि आपको बात करने के लिए बाहर अगर नॉइज हो आप बात नहीं कर सकते, जैसे कि कोई पार्टी चल रही हो, कोई फंक्शन चल रहा हो, जोरदार साउंड से डीजे बज रहा हो, गाना बज रहा हो, आप यहीं पास में खड़े हो, कोई दूसरी तरफ बैरिकेड के कोई खड़ा हो, आप इस तरफ खड़े हो और बैरिकेड के उस तरफ कोई और खड़ा है, तो आप उससे बात करते वक्त आपको तकलीफ होती है, आप कुछ भी बोलो उसको सुनाई नहीं देता। आप फोन में भी बात करो, वो कान के पास ईयरफोन लगा के भी कोशिश करे सुनने को, कभी कभी होता है सुनाई नहीं देता बात। तो ये जो चीज है एक कम्युनिकेशन बैरियर की तरह काम करता है आपका, जो कि एनवायरमेंट है। एनवायरमेंट सही हो तभी आपका बात एक तरफ से दूसरी तरफ पहुंच सकता है, नहीं तो आप कितना भी माथापच्ची कर ले, आप कुछ भी बोले उसको कुछ भी सुनाई नहीं देने वाला। तो अभी चलते हैं अगला टॉपिक, यह है पर्सनल फैक्टर्स।
पर्सनल फैक्टर कुछ ऐसा फैक्टर है जो कि मैं आपको अभी एग्जांपल से बताने की कोशिश करूंगा। ये जैसे कि मान लीजिए आपके घर परिवार में, घर में हमेशा झगड़ा होता है किसी ना किसी आपके फैमिली मेंबर्स का, तो ये चीजें आपके जहन में इफेक्ट डालती है, ये चीजें जो है आपके ऊपर इफेक्ट डालती है। आप कोई भी चीज बोलने से पहले झिझकते हैं अपने पेरेंट्स से, अगर वो हमेशा गुस्से में हो या झगड़ा करते रहते हो तो आप कोई भी बात करने कहने से पहले 10 बार सोचते हैं मैं अभी बोलूं या नहीं, इनका मूड ठीक होगा या नहीं। तो आप ऐसे ये चीज रेगुलरली एक पीरियोडिकली चले अगर, तो ये अगर हर दूसरे दिन या तीसरे दिन आप देखते रहे अपने लाइफ में, तो ये आपके मन में एक बैठ जाता है कि आपका ये आदत सा बन जाता है कि आप चुप ही रहते हैं, आप कुछ बोलते ही नहीं है। आप पहले कोशिश किए करें बोलने के लिए, आपको गुस्से से जवाब मिला कि नहीं अभी कुछ नहीं तू जा, तो आप दूसरी बार गए मान लीजिए तब भी वैसा ही रेस्पॉन्स मिला, तो आप बोलने से ही कतराते हैं आगे जाके, ठीक है। तो कोई भी चीज पे आप इंटरेस्ट नहीं दिखाते बोलने में, तो बोलने से डरते हैं आप किसी बड़े से बोलने से डरते हैं आप, तो यही चीज जो है आपके कम्युनिकेशन को इफेक्ट करता है। आप आउटस्पोकन नहीं हो पाते, आप डल हो जाते हैं, आप थोड़ा चुप ही रहते हैं ज्यादातर, बहुत कम बोलने लगते हैं फिर, तो ये चीज जो है अच्छा नहीं है मेरे हिसाब से। थोड़ा फ्लेक्सिबल होना चाहिए इंसान को, परिस्थिति के हिसाब से फ्लेक्सिबल होना चाहिए। तो पर्सनल फैक्टर्स को थोड़ा बाहर रख के आपको कम्युनिकेशन पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यही जाके आपको सक्सेस का रास्ता दिखा सकती है फ्यूचर में। तो अभी चलते हैं लास्ट टॉपिक जो है आपका कल्चर डिफरेंस। कल्चर डिफरेंस क्या है ना, कोई कोई कल्चर में कुछ सिंबल्स, कुछ आपके हैंड मूवमेंट्स कुछ अलग मतलब दिखा सकते हैं, कुछ और कल्चर में वही मूवमेंट कुछ अलग मतलब दिखा सकते हैं। जैसे कि आपने भारतीयों को देखा होगा किसी को ग्रीटिंग करते वक्त नमस्ते करते हैं ज्यादातर, तो और वही चीज अगर आप कोरियन जापानीज लोगों को देखा होगा तो वो आगे ऐसे झुकने की कोशिश करते हैं किसी को अभिवादन करने के लिए। यही चीज जो है कभी कभी आपके मन में डाउट फैलाता है ये क्या कर रहे हैं ये लोग, तो आप वही थोड़ा सोचते रहते हैं ये कर क्यों रहे हैं ऐसा, क्योंकि वो उनका कल्चर है, उनके कल्चर में वैसा सिखाया गया है कि कम्युनिकेट ऐसे करना है दूसरों से। तो ये रहा सारे फैक्टर्स विच आर इफेक्टिंग अवर पर्सपेक्टिव्स इन कम्युनिकेशन। अभी देखते हैं 7 C's ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। आपका कम्युनिकेशन इफेक्टिव तभी हो पाएगा अगर इन्हीं 7 बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन को आप अपने अंदर डाल ले, जिनको कि अदर वर्ड्स में 7 C's ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन भी बोला जाता है, जो कि कुछ इस प्रकार के हैं: क्लियर, कॉन्साइज, कॉन्क्रीट, करेक्ट, कोहेरेंट, कॉम्प्लीट एंड कोर्टियस, जो कि एक एक करके मैं अभी आपको समझाऊंगा। सबसे पहला है क्लियर। कभी कभी आपने लोगों को ऐसे बोलते हुए सुना होगा, जो भी बोलना है साफ साफ बोलो, घुमा फिरा के मत बोलो, सीधी बात करो, ऐसे बोलते हुए आपने काफी बार लोगों को सुना होगा। यही चीज है क्लियर। जो बोलना है आपको क्लियर बोलिए, टू द पॉइंट बोलिए, साफ साफ बोलिए, घुमा फिरा के मत बोलिए, जो कि एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन की सबसे पहली निशान है। दूसरा पॉइंट है आपका कॉन्साइज। कॉन्साइज का मतलब है अपना बात को जितना संभव हो सकता है सिंपल वर्ड्स में रखने की कोशिश कीजिए, सिंपल वर्ड्स और टू द पॉइंट बात कीजिए, तभी आपका ज्यादा इफेक्टिव रहेगा बात। तीसरा पॉइंट है आपका कंक्रीट। कंक्रीट मतलब जो पर्टिकुलर वर्ड है आपको बोलते वक्त वही पर्टिकुलर वर्ड यूज करना चाहिए, जिस जगह पे जो वर्ड यूज करना है उसी वर्ड को यूज करना चाहिए, नहीं तो आपकी बात की मतलब अलग हो जाएगी, इसीलिए कंक्रीट रहना बहुत जरूरी है। चौथा है करेक्ट। जो लाइन्स आप बोल रहे हैं वो ग्रामेटिकली स्पेलिंग वाइज पूरा करेक्ट होना चाहिए, तभी आपका बात ज्यादा इफेक्टिव लगता है। अगर ग्रामर गड़बड़ हो गया तो आपकी बातों पे कोई ध्यान नहीं देगा, ये बोलेगा कि ये गलत ग्रामर बोल रहा है, तो इसलिए आपका बात पर से लोगों का ध्यान हट जाएगा, आपकी गलती के ऊपर उनका ध्यान आ जाएगा, तो हमेशा करेक्ट रहने की कोशिश कीजिए। पांचवा है कोहेरेंट। कोहेरेंट का मतलब है आप जो भी बात कर रहे हैं उसका कोई मतलब निकलना चाहिए, बिना मतलब की बात करेंगे तो आपको कोई वैल्यू नहीं देगा, और आप वही बात बोलिए जो कि लोग सुनना चाहते हैं। मुद्दे की बात कीजिए, बिना मुद्दे की बात इधर उधर की बात मत करिए, जितना हो सके मुद्दे पे बोलिए, दैट इज व्हाट कॉल्ड कोहेरेंट। सिक्स्थ नंबर में आता है कंप्लीट।
आप जो भी टॉपिक में बोलने आए हैं आपको उस टॉपिक के ऊपर सारी बातें बोलनी चाहिए, जो जो पॉइंट्स उसके ऊपर आते हैं सारे पॉइंट्स को टच करना चाहिए। आपका बात ऐसा लगना चाहिए कि आपने पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन उनको दी है जो कि आपको सुनने के लिए आए हैं। सातवां पॉइंट है कोर्टियस, जो कि ये कहता है कि बात करते वक्त एक दूसरे को सम्मान दीजिए, एक दूसरे का आदर कीजिए, एक दूसरे को रेस्पेक्ट कीजिए और ईमानदारी से फ्रेंडली वे में दूसरे से बात कीजिए, जो कि हम हमेशा सुनते हैं कि गिव रेस्पेक्ट एंड टेक रेस्पेक्ट। तो आप सम्मान देंगे दूसरों को तभी आपको सम्मान वापस मिलेगा दूसरों से। तो यही रहा हमारा आज का टॉपिक जो कि था पर्सपेक्टिव्स ऑफ कम्युनिकेशन और 7 C's ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। आशा करता हूँ आपको सब कुछ समझ में आया होगा। और जाते जाते मैं ये भी बोलना चाहूंगा कि हर वीडियो में जैसे डिस्क्रिप्शन में एक ऑनलाइन क्विज रहता है, इस वीडियो में भी डिस्क्रिप्शन में एक ऑनलाइन क्विज है जिसको कि आप सबको अपियर करना है और प्रैक्टिस करना है, देखना है किस तरह के क्वेश्चंस इन टॉपिक्स पे आ सकते हैं। और अगर आपको ये टॉपिक पे कोई डाउट है तो आप बिना झिझक के मुझे कॉमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि आपको क्या डाउट है और इसका जवाब मैं जरूर दूंगा। और आगे की टॉपिक्स में हम बात करेंगे आपके जो वर्बल कम्युनिकेशंस के ऊपर। तो बहुत जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। तो तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।